प्राइम प्रोडक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरो शाही नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। इंडियन ब्रियोलर ग्रुप कंडक्टिंग फार्मिंग कंपनी कर रही है धोखाधड़ी। प्रयागराज जिले के शांतिपुरम फार्मा माऊ में किराए के मकान में बनाई गई है ऑफिस, जिसका कोई बोर्ड बैनर कहीं भी नहीं लगाया गया। फार्मरों का आरोप है कि यह कंपनी फार्मरों का एग्रीमेंट तो करती है, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट प्रूफ फार्म को नहीं दिया गया, जबकि फार्म से ब्लैंक चेक, ब्लैंक स्टैम्प पेपर दस्तखत करवा कर अपने पास रख लेते हैं। आरोप ये भी है कि कंपनी के सुपरवाइजर व मैनेजर ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कंपनी का कोई भी कर्मचारी प्रशिक्षित भी नहीं है। कंपनी का फार्मरों से एग्रीमेंट तो होता है, लेकिन कोई भी प्रूफ फार्मर के पास नहीं दिया गया। एग्रीमेंट पेपर इंग्लिश में लिखा होता है, जिससे कोई भी फार्मर पढ़ नहीं सकता। कंपनी का कोई भी कर्मचारी फार्मर का नुकसान करता है तो नुकसान की भरपाई किसान से ही कराया जाता है। कंपनी का सुपरवाइजर भी मुर्गियों का पोस्टमार्टम करता है, जबकि अनुभव कुछ भी नहीं होता। ब्रांच मैनेजर से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि सुपरवाइजर को 3 महीने से ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद ही दवा व मुर्गियों का पोस्टमार्टम करते हैं। आए दिन मुर्गियां मरती रहती हैं, इसे खुले में फेंक दिया जाता है। वापस ले लेते हैं। इसका एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का सारा रूल्स ये कंज्यूमर को पता होता है। कंज्यूमर कह रहा है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे पास कोई कॉपी होती नहीं एक्स्ट्रा देने के लिए। जो कॉपी होती है इन पे सारे एग्रीमेंट किस बेस का होता है? एग्रीमेंट में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं? वो सारा इनको पता है। दस्तावेज क्या लगता है? आप चेकबुक और आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड ही लगता है सारा। जब अगर आप कंज्यूमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, खतौनी वगैरह सारा कुछ लेते हैं, उन्हें प्रूफ में क्या देते हैं? हम उनको प्रूफ में हमारा चिक्सा आता है। इनके पास सबसे बड़ा प्रूफ चाहिए, हम 10 लाख की प्रॉपर्टी दे रहे हैं इनको। लिखित प्रूफ इनके पास कुछ नहीं होता? इनके पास सारा प्रूफ होता है। जो भी इनके पास मेडिसिन आती है, जो भी दवाई आती है, सारा इनको एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। एग्रीमेंट में कोई वो नहीं होता हमारे पास। क्यों? ऐसा क्यों? कंपनी का जो भी नियम है नहीं होता। क्या नियम है? अब ये फोटोकॉपी करके ले सकते हैं, ये अगर चाहे इनको चाहिए तो उसकी फोटोकॉपी करके ले सकते हैं। आप देते हैं कि नहीं देते? नहीं, हम नहीं देते। अगर इनको जरूरत है तो आप फोटोकॉपी करके ले लें, कोई दिक्कत नहीं। सर, ये जो मुर्गी मर रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका कोई जिम्मेदार नहीं होता। जो मोर्टलिटी हो रही है यहाँ देखा जाता है, इसकी दवाई दी जाती है, ठीक है, इसको यहाँ बताया जाता है कि कहीं इसको जो मतलब गड्ढे उड्ढे खोद के गाड़ दीजिए, ये होता है। ये तो पहली बार थोड़ी है, ये बहुत पुराना काम चल रहा है आज से। इसमें जो दवा वगैरह होती है, जो आप मेडिसिन देते हैं, उसका रेट लिस्ट होता है कुछ? सारा उसमें लिखा होता है। तो उनके पास कुछ है ही नहीं तो लिखा किसके पास? अरे भाई, जो दवाई आती है उसमें लिखा रहता है ना डिब्बे पे, तो डिब्बे पे दवाई आती है उसमें सारा कुछ लिखा है। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है कंज्यूमर के पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा? नहीं, एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा रहता है कंज्यूमर के पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। जिसको जरूरत है वो ले, हम मना नहीं करते। एग्रीमेंट में ये लिखा है आपने क्या किसको जरूरत नहीं है? नहीं, उसमें कुछ नहीं लिखा होता। उसमें कंपनी का और फार्मर के बीच क्या टर्म एंड कंडीशन है वो लिखा होता है, बस। इसके अलावा और कुछ अलग से नहीं लिखा होता। सर, जानकारी मिली है कि आपका जो फर्म है, कंपनी है, वो कंज्यूमर से ब्लैंक स्टाम्प पे सिग्नेचर कराती है? बिल्कुल कराते हैं। किस बेस पे? किस बेस पे? आप इनको इतना सामान दे रहे हैं 10 लाख का, और कल को फार्मर ने हमारे साथ चीटिंग की, हमारा कोई सामान बेच लिया, हमको नहीं हमारी प्रॉपर्टी मिली, तो हम क्या करेंगे? और अगर कंपनी चीटिंग की तो कंपनी क्यों चीटिंग करेगी, ये बताइए। कंपनी, एक मिनट, कंपनी के पास सारा प्रूफ है, ठीक है, कंज्यूमर के पास कोई प्रूफ नहीं है। कंपनी अगर चीटिंग कर गई तो किस हिसाब से चीटिंग करेगी? बच्चा देने के बाद उठा ले जाती है, बच्चे पैसा नहीं मिलता। अगर नहीं पैसा दी तो ये क्या कर सकते हैं? ये आप बताइए, क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्या कर सकते भाई? आपके एरिया में केवल एक ही जगह तो हमारा बर्ड पड़ा नहीं हुआ है मेरे पास। एक जगह की बात कर रहा हूँ, नहीं, एक जगह की ऐसा होता ही नहीं। इनके जब एक जगह ब्रांच खुलती है तो 2500 जगह, ठीक है, हमारे यहाँ जो है कम से कम 36 फार्म इस समय चल रहे हैं रनिंग। ठीक है, 36 जो है फॉर्म हमारे पास चल रहे हैं लाइव। इनके बगैर राम सिंह का फार्म, थोड़ी थोड़ी दूर पे सारे लोगों का फार्म, और हर फार्मर एक दूसरे के टच में है, समझ रहे हो? किसी आदमी के साथ कंपनी चीटिंग क्यों करेगी? क्योंकि वो बिजनेस करने आई है, समझ रहे हैं? सपोज दैट चीटिंग करेगी तो इनके पास प्रूफ है क्या भाई? इनके पास तो प्रूफ यही होगा ना कि इन्होंने काम किया है इतना दिन। इनके पास जो प्रमाण है उसका इनके पास भाई, इनके पास हम सामान देते हैं ना, उसकी फोटोकॉपी रखे हैं, हम मना करते हैं। हम तो लास्ट में ले जाते हैं सारा कुछ, जब कुछ सारा कुछ होता है हम तो लास्ट में लेके जाते हैं ना। उसके पास तो सारा सामान इनके पास ही है, इसकी फोटोकॉपी रखे हैं। अगर इनको ये लगता है कि आप एग्रीमेंट का और स्टाम्प पेपर का कोई प्रूफ नहीं देते आप, नहीं हम मांगने पर भी नहीं मिलता। नहीं, आप मांगो ना, आपका तो स्टाम्प मांगा हूँ। किससे मांगे आप? ऑफिस में आपसे मांगा है, और
किससे मांगे? मैं आपसे भी मांगा आ रहा। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ये तो हम देखो, हमारा जो काम है, अगर आपको चाहिए तो हम फोटो कापी करा के दे देंगे, एक्स वाई जेड जो जिसको भी जरूरत है। हमारे पास रिकॉर्ड रहता है इनका ऑफिस में सारा, ए टू जेड, क्या सामान आया क्या नहीं आया सब कुछ। और सुपरवाइजर की डिग्री क्या होती है आपके? सुपरवाइजर की डिग्री होती है, उसको ट्रेन किया जाता है मिनिमम इंटर, उसके बाद उसको कंपनी जो है देती है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद ही इनको फील्ड में लाया जाता है। अच्छा सर, ये फार्म जो बनता है बस्तीस कितनी दूर होनी चाहिए? ये कई इसका कई सिस्टम, अगर फार्म पहले बन गया है बस्ती बाद में आई है तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम 500 मीटर इसका रूल है कि 500 मीटर कम से कम होना चाहिए। गाँव से मीटर जो है स्टैंडर्ड है, लेकिन हमारा फार्म बना हुआ है। कल को आप कल को यहाँ कोई घर आगे बना ले तो जो मुर्गियाँ मरती हैं आपके यहाँ जी, इनका पीएम कराया जाता है? इनका जो लाइन सुपरवाइजर आता है वो सुपरवाइजर के पास कोई डिग्री आपने बताया कि वो ट्रेनिंग करके आता है, ठीक है। इंटर के बाद वो चाहे जो है आईपीएमटी करे या किसी आदमी के अंडर ट्रेनिंग करे, ट्रेनिंग करके ही हमारे यहाँ कोई भी आदमी है जो 6 साल 5 साल पुराना 3 साल से कम नहीं है, जितने भी बंदे हैं 3 साल पुराने ही सारे हैं पोल्ट्री लाइन में काम करते हुए 3 साल। तो जो मुर्गियाँ मर रही हैं, जैसा कि आप बताएं कि हमारा सुपरवाइजर देख रेख करता है, पीएम करता है, जो भी करता है, तो उसमें क्या निकला, किस वजह से मर रही है? वो तो मुर्गी जब फाड़ेगा तो उसी को पता लग जाएगा ना, वो फाड़ेगा। कोई आज पहली घटना तो है नहीं कि आज पहले दिन मरी है, इसके पहले जो मुर्गियाँ मरी है उसमें क्या मिला? उस पर लिखता है कॉपी पे, आपको जानकारी है क्या मिला? उसमें इकोलाई मिली है, ठीक है, हीट की गर्मी है, कॉक्सी है, उसकी उसकी ट्रीटमेंट होती है। उसका नुकसान केवल किसान जो पालता है उसका होता है कि कंपनी? नहीं, कंपनी का भी है ना नुकसान उसका, तो कंपनी के ऊपर जाएगा भाई, अच्छा करेंगे कंपनी को भी 4 पैसा मिलेगा, नुकसान होगा तो कंपनी का भी नुकसान होगा, दोनों का नुकसान होता ना। कंपनी जो है इनका 65% होता है, कंपनी का होता है 45%, 35% ज़्यादा किसान को है नुकसान होगा तो 50-50 हो जाएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है। आपके यहाँ इस क्षेत्र में हड़िया क्षेत्र में इसमें कितने फार्म चल रहे हैं? हड़िया में हमारा कोई फार्म नहीं है। तो कहाँ, किस क्षेत्र? ये सैदाबाद क्षेत्र में, बाकी कुंडा साइड में। सैदाबाद क्षेत्र में कितनी जगह है? कितना होगा, 12-13 फार्म होगा। टोटल कितने बच्चे हैं? ये तो स्क्वायर फीट निकाल के देखना पड़ेगा, मुझवानी तो याद नहीं है। बच्चे आप गिनते लगभग 40 पर नहीं, वो हर रिकॉर्ड पे लिखा होता है ना, कापी पे लिखा रहता पूरा रिकॉर्ड किस कितना। हाँ, अभी तक कितने बच्चे मर चुके हैं इस महीने में? ये तो कापी देखने पे सर पता लगेगा ना, हम मुझवानी थोड़ी याद रखेंगे, 20-50 तो फार्म चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर जानकारी मिली कि एक फार्म में 750 बच्चे मर गए। कहाँ पे? यहाँ पे 750 तो शुरू से लेके मरे होंगे ना, एक महीने में? ये शुरू से लेके मरे होंगे ना, महीने में शुरू से मरे होंगे ना। प्रयागराज से हरिशंकर पटेल की एक रिपोर्ट।